जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी हवेली छोटे सिद्धू के स्वागत में दुल्हन की तरह सज गई है। दिवाली का माहौल है पूरी तरह से हवेली पर। और क्या कुछ कर रहे हैं सिद्धू के फादर और मदर, छोटे सिद्धू के जन्म लेने पर क्या क्या तैयारियां चल रही है जोरों शोरों से, चलिए आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक जिन लोगों ने, तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी जो होगी टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहेगी लगातार। जब से दोस्तों सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या हुई थी, तब से लेकर अब तक किसी ने भी जो है हवेली में कोई खुशियां नहीं मनाई, कोई कभी रौनक देखने को मिली ही नहीं। सुनापन था पूरी हवेली में। सिद्धू के माता पिता तो हंसना ही भूल गए थे, हंसी होती क्या है यही नहीं पता था उन्हें। लेकिन आज अगर आप सिद्धू के पेरेंट्स के चेहरे पर देखेंगे, तो वो हंसी देखने के लिए फैंस तरस गए थे, वो हंसी हमें देखने को मिल रही है, फैंस को देखने को मिल रही है। सिद्धू की माता के चेहरे पर आप हंसी देख सकते हैं। जब पहली बार छोटे सिद्धू को देखा तो वो अपने सारे दुख और दर्द भूल गई। जो 9 महीने उन्होंने सहा, इस उम्र में 58 की उम्र में, वो भी IVF तकनीक के द्वारा प्रेग्नेंट हुई थी। काफी सारे कष्ट, काफी सारी परेशानियां झेलनी होती है, आती है, लेकिन माँ जो है उस कष्टों को खुशी खुशी झेल गई। और आज छोटे सिद्धू जो है इस दुनिया में आ गए हैं। छोटे सिद्धू के आते ही ना सिर्फ पेरेंट्स खुश हैं, बल्कि इस खुशी में सिद्धू मूसेवाला जी के मूसा पेंड से बुजुर्ग औरतें, बच्चे, सभी ढोल नगाड़ों के साथ जो है जमकर छोटे सिद्धू के स्वागत की तैयारी लगातार जोरों शोरों से कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पहली बार सिद्धू के फादर साहब ने जो अपने छोटे सिद्धू को दूध पिलाया अपने हाथ से, पहला घूंट पिता के हाथों से जो है दिया गया। सिद्धू के फादर साहब बहुत खुश अपने छोटे सिद्धू को पाकर। और आपको बता दें, सिद्धू के फादर साहब ने साफ तौर पर ये कहा है इंटरव्यू में कि मेरा मूसे वाला बेटा जो था वो इसी के अंदर ही है, कहीं नहीं गया, वो वापस आ गया है। वो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे बेटे ने साफ तौर पे कहा कि जवानी में तो मेरी मौत होगी ही होगी, हत्या होगी ही होगी, लेकिन उसके बाद दोबारा से इसी जन्म में मैं अपनी माँ के कोख से जन्म लूंगा। ये सारी बातें सिद्धू मूसेवाला जी की सच्ची हुई। फैंस इस वक्त ये कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला ना सिर्फ एक इंसान था बल्कि वो एक संत था, इस तरह से संबोधित कर रहे हैं फैंस सिद्धू मूसेवाला जी को। कोई कह रहा है कि छोटा सिद्धू आया है मूसेवाला का भाई, तो कोई कह रहा है कि खुद सिद्धू मूसेवाला जी आए हैं इस धरती पर। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हवेली पर और क्या क्या हो रहा है सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई शुभदीप को लेकर, उसकी स्वागत को लेकर क्या क्या कर रहे हैं फैंस, चलिए आपको पिक्चर्स दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक तरफ सिद्धू मूसेवाला जी तो दूसरे तरफ छोटे सिद्धू दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप हवेली को देखेंगे, बैलून से पूरे हवेली को जो है सजा दिया गया है। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि मिठाई खाते हुए नजर आ रहे हैं सिद्धू के फादर साहब। वहीं चौथी तस्वीर में छोटे सिद्धू टुकुर टुकुर देख रहे हैं सबको। वहीं आपको बता दें हवेली को जो है कुछ इस प्रकार से बैलून से डेकोरेट किया गया है हवेली के गेट को। वहीं फैंस लगातार केक भिजवा रहे हैं छोटे सिद्धू के जन्म के उपलक्ष्य में। वहीं सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी को जो है बुक्के के द्वारा जो है स्वागत किया जा रहा है हवेली पर। आप देख सकते हैं डांस कर रहे हैं, होली मना रहे हैं फैंस। वहीं मूसा पिंड के अंदर कुछ इस प्रकार की तस्वीरें जो है अभी सामने आ रही है, जहां पर भीड़ ही भीड़ है। और सिद्धू के फादर साहब को बुक्कों से जो है उन्हें स्वागत कर किया जा रहा है लगातार। वहीं आपको बता दे शुभदीप भाई जो कि अफसाना खान ने ये केक काटा है शुभदीप भाई के नाम से, वहीं मूसा पिंड में इस वक्त जो है जश्न का माहौल है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धू की माता चरण कौर जी को जो है हिम्मत मिली है कहीं ना कहीं इस प्रकार के रिएक्शन से, जो फैंस लगातार इस प्रकार का रिएक्शन दे रहे हैं, खुश हैं। कई लोग ऐसे हैं, गिने चुने लोग कह सकते हैं, 5% लोग 100 में से, जो सिद्धू के पेरेंट्स को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि हर किसी लेडी को ये सीखना चाहिए कि माँ के अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत होती है, एक माँ ही ये कर सकती है। और कि किसी कोई भी उम्र हो, मन में जज्बा हो, साहस हो, तो वो कुछ भी कर सकती है, और वो कर दिखाया है सिद्धू की माता चरण कौर जी ने। डॉक्टर ने यहाँ तक कि मना भी कर दिया था कि आप इस उम्र में ये रिस्क ना ले, लेकिन सिद्धू की माता चरण कौर जी ने कहा चाहे कुछ मर्जी हो जाए मैं अपने सिद्धू को जन्म देकर ही दम लूंगी, और आज उन्होंने ये कर दिखाया है। इस वक्त जच्चा और बच्चा दोनों ही सेफ है और खुशियां मनाई जा रही है हवेली के अंदर। आप किस प्रकार से खुश हैं छोटे सिद्धू के जन्म लेने को लेकर, जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, अपनी खुशी जरूर व्यक्त कीजिए।